तो दोस्तों आज हम बात करेंगे GTL इंफ्रा के स्टॉक के बारे में। GTL इंफ्रा के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था और जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आ रहा था। लेकिन जब से यहाँ पर स्टॉक ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिल रही है और आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.57% की यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1.50 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.80, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.15 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2.50 और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2.80, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3 और 3.5 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 1.40 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1.25 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1.15 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।